मंगलौर क्षेत्र में इन दिनों हो रही विद्युत कटौती को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। दिन भर कई घंटे हो रही विद्युत कटौती से मंगलौर क्षेत्र में आम जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। विद्युत सप्लाई न मिलने से लोगों को पीने के पानी की भी समस्या झेलनी पड़ रही है। मंगलौर जनप्रतिनिधि भी कई बार विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से विद्युत सप्लाई दुरुस्त करने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मंगलौर में विद्युत सप्लाई ठीक नहीं हो पाई है, जिससे जनप्रतिनिधियों को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं विद्युत सप्लाई ठप होने से मंगलौर के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मंगलौर के पूर्व कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बसपा विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। वहीं वर्तमान विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में हुई हार से पूर्व विधायक बौखला गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मंगलौर में विद्युत सप्लाई जल्द ही दुरुस्त कर ली जाएगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मंगलौर की बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट खराब आए तो चलो, फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहां भी है, कई कई घंटे का कट। कोई दो राय है नहीं कि मंगलौर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है। अब परसों तरसों से जो देखा होगा आपने, जो बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही।